नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है 22 अगस्त और नहीं, मैं गाड़ी चलाने नहीं निकला दोस्तों। आप सोच रहे हो हड़ताल का बोल के, भाई आप हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हो, खुद ही गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी चलाने में बिल्कुल नहीं निकला मैं, निकला हूँ ये देखने कि हड़ताल का कितना असर है। तो अराउंड 1 घंटा हो गया मुझे, मैं पैदल घूम रहा था, फिर गर्मी लग रही थी तो पार्किंग से गाड़ी उठाई और अभी मैं वसंत कुंज की तरफ जा रहा हूँ। देख रहा हूँ रोड पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी हैं, बट बहुत सारी गाड़ियाँ अभी दौड़ रही हैं रोड पे, सवारी ले लेके ये लोग चल रहे हैं। और ये छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियों का तो मैं मान लूँ कि वो कंपनी में लगी हैं या फिक्स में लगी हैं, कहीं भी लगी हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना वो कहीं नहीं लगती, वो ओला उबर में ही चलती हैं। तो ये देख रहे हो दौड़ रही हैं गाड़ियाँ रोड पे और अभी चल रहे हैं वसंत कुंज। वसंत कुंज चल के वहाँ का माहौल बताएंगे आपको कि कैसा माहौल है वसंत कुंज का। मॉल के पास देखेंगे क्या हाल है, उसके बाद करेंगे अपनी गाड़ी को साफ, क्योंकि भाई स्ट्राइक का तो मेरा पूरा समर्थन है, बस थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से मैं जंतर मंतर तो नहीं जा पाया। हाँ, लेकिन मैं लोगों के कनेक्ट में हूँ और क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ही देख रहा हूँ। बट अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए था उसका हम 70% भी अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये ऑटो वाले तो बिल्कुल नहीं मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं गाड़ी और है आगे। ये ऑटो चल रहा है जबकि ऑटो की भी स्ट्राइक है। ये देखिए इधर जो कैब रुकी है ये सब सवारियों के लिए यहाँ की रुकती है, देख रहे हैं दो दो तीन तीन कैब लगी पड़ी है, धक सवारियाँ उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। वो एक कैब जा रही है ऑटो के साथ में आगे, तो ऐसा स्ट्राइक का पूरा हाल है अभी। ओवरऑल दोस्तों ये कह सकते हैं कि कुछ टैक्सियों के लिए हड़ताल नहीं है, ये एकता में बिल्कुल विश्वास नहीं रख रहे हैं, ना हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, और ऑटो तो बहुत ज़्यादा रोड पे दौड़ रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भाई अपनी गाड़ियां बंद करके बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और रोड पर दबादब गाड़ियाँ लेके दौड़ रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर भी दिख रहे हैं रोड पर, ये अपनी गाड़ियाँ लेके आराम से सवारियाँ उठा के टहल रहे हैं। दोस्तों इतनी देर में इतने ऑटो दिख गए हैं कि जिसका लग रहा है कि ऑटो वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपना मस्त है। मतलब मान के चलिए 2 किलोमीटर आने में कम से कम 250 ऑटो दिख गए, और इतने ऑटो दिख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। टैक्सियां कम दिख रही हैं, ऑटो रोड पे दबा दब दौड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं अभी कितने सारे ऑटो ओवरटेक करके जा रहे हैं क्योंकि मैं स्लो चल रहा हूँ। ये देखिए ये भी भाई डिवाइस लगाए ऑटो पकड़े जा रहा है, खैच में खैच, आज 2 ही दिन में इतना ये लोग छाप लेंगे कि ये करोड़पति बन जाएंगे। यही कुछ लोग होते हैं जिससे कोई भी संगठन कामयाब नहीं हो पाता, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ये बीच के रहते हैं। ये मॉल का एरिया है दोस्तों, अभी टाइम अगर देखा जाए तो लगभग 3:30 हो रहे हैं और मॉल पे पूरा सन्नाटा फैला हुआ, खाली ऑटो वालों को छोड़ के टैक्सियां ना के बराबर नजर आ रही है, एक आधा नजर आती है जैसे ये जा रहा है, एक आधा टैक्सी नजर आ रही है, बाकी कुछ है जो लेकर गाड़ी दौड़ रहे हैं, जैसे कि ये भाई साहब मानने वाले नहीं है। ये वही लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है, और रेट बढ़ जाएगा तो सबसे पहले सोचेंगे कि मुझे फायदा मिले मुझे मिले। बाकी लगभग टैक्सियों की तो हड़ताल पूरी तरीके से मुझे सफल दिख रही है, क्योंकि अगर 100 में से 10 टैक्सियाँ ही घूम रही हैं और 90 खड़ी हैं तो भी हड़ताल सफल मान सकते हैं, और सफल जब मान सकते हैं जब इसका कुछ रिजल्ट भी दिखे। तो आपको दिख रहा है रोड पे गाड़ियाँ हैं बट ऑटो ज़्यादा हैं, ऑटो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और टैक्सियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। तो ये हाल है पूरा आज दिल्ली में चक्का जाम होने का ओला उबर में। कमेंट करके बताएंगे कि आपके एरिया में कैसा हाल है। फिलहाल तो मैंने वसंत कुंज का देख लिया, मुनिका साइड का पूरा देख लिया, बट जो रोड पे आपको नज़र आ रहा है वो ऑटो नज़र ही आ रहे हैं और कोई नज़र नहीं आता, और एक आधा कहीं टैक्सियाँ भी नज़र आ रही हैं, टैक्सियाँ भी काफ़ी नज़र आती हैं, कभी कभार एकदम से ज़्यादा से नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्सियाँ में बहुत कम नज़र आ रही हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नज़र आती है ऑटो।
ऑटो का सबसे ज्यादा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, अभी दिख रहे हैं बहुत सारे ऑटो रोड पे। और ये चाचा देखो सवारी बैठा है, दबा दब जाए, इनका कुछ नहीं हो सकता।